Hello guys, welcome back to Nam's Nation. This is Namrata and I welcome you all to Lonavala. Guys, इस वक्त हम लोनावला में खड़े हैं एंड यहाँ पे बारिश हो रही है और ठंड भी है बहुत ज़्यादा. एंड मैं खड़ी हूँ इस ब्यूटिफुल लग्जरी बंगलो में विच इज़ लोकेटेड इन दी हार्ट ऑफ लोनावला. एंड मैं आप सबको आज ये विला दिखाने वाली हूँ और इसके इंटीरियर्स दिखाने वाली हूँ. यहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग बार है, एक बहुत अच्छा प्ले रूम है एंड इट्स अ 3-bedroom अमेजिंग बंगलो. सो कम अलोंग, आई शो यू गाइस. चलिए मैं चल के आपको दिखाती हूँ ये लग्जरी बंगलो. बट उससे पहले यहाँ पे एक बहुत स्पेशल एंट्री है एंड आई वांट टू शो यू गाइस दैट एंट्री. इस घर का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है ये मंदिर. यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति है और इसे कितनी खूबसूरती से बनाया गया है. इसके अंदर आर्ट वर्क देखिए, लुक एट दीज बेल्स ऑन टॉप, दीज आर सो प्रिटी. गाइज, अब इस मंदिर के बाद बारी है इस बंगलो की एंट्रेंस की और इस बंगलो की एंट्रेंस भी बहुत बहुत खूबसूरत है. आई रियली लाइक दिस डोर. ये बहुत ही एंटीक डोर है एंड लुक एट दिस वुड वर्क ऑन इट. आई थिंक दिस इज मेड आउट ऑफ वुड. एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस बेल हियर एंड देन यू गोना एंटर द हाउस. Look at this property, guys. Guys, ये property premium luxury segment में आती है. And अब मैं आपको चल के पूरी property दिखाती हूँ. इस property में actually 3 master bedrooms हैं और यहाँ का सबसे पहला cozy corner जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, it's right here. Look at this corner, guys. I really love this cozy corner here. जिसके पीछे यहाँ पर एक छोटा सा garden area भी है. And I think you guys can just sit and chill here all day long with your friends and family. I really like this corner. It's beautiful. Guys, another fab place is this rocking chair. You can really have a good time sitting down here. And another fab part is this. I think ye प्योर चांदी का है क्या है, आई डोंट नो. बट ये लॉक मुझे बहुत अच्छा लगा. लुक एट दिस लॉक गाइस. बुद्धा जी का लॉक एंड देन ये सारा आर्ट वर्क यहाँ पे, इट्स वेरी प्रिटी. And now comes the dining area. Again, यहाँ पे I really like कि जो woodwork पूरा किया हुआ है, ये जो carvings यहाँ पे करी हुई हैं, it's really nice. And ये table का center भी I really like. It's done so well. And ये छोटा सा section है यहाँ पे, ये भी मुझे बहुत पसंद आया. Look at all this. खट्टा तीखा एंड मीठा, जस्ट हाउ लाइफ इज. एंड गाइज, ये यहाँ का बाहर का एरिया है. ये इनका छोटा सा गार्डन है एंड सिट आउट एरिया है जो कि बहुत खूबसूरत है. सो गाइज, एक छोटा सा गार्डन एरिया है यहाँ पे और यहाँ से आप ये पूरा बंगलो देख सकते हैं ऊपर तक.
सो गाइज, अब हम वापस अंदर आ चुके हैं और मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ यहाँ का लिविंग रूम, जो कि एस्थेटिकली बहुत ब्यूटीफुली डन किया गया है. लुक एट दिस काउच एंड आई रियली लाइक दिस ओल्ड टेलीफोन यहाँ. It only goes one side, doesn't turn. खुद ही turn करना पड़ेगा क्या? So what else is remaining here? Okay, I like this TV cabinet section also, guys. इसको भी बहुत खूबसूरती से बनाया गया है. And look at this, ये पूरी wood के अंदर carving करी है इन्होंने. सो गाइस, चलिए मैं आप सबको ऊपर लेके चलती हूँ. यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम है एंड उसके साथ और दो बेडरूम्स कनेक्टेड हैं. सो कम फॉर अ टूर. लुक एट दिस मिरर ऑन द फ्लोर हियर. As you come up here again, यहाँ पे walls पे इतना सुंदर artwork इन्होंने किया हुआ है. I just totally love the aesthetics done in this beautiful bungalow. It's really out of the world. ये भी देखिए, इस वाली wall पे भी कितने सुंदर aesthetics किए हुए हैं. I really like this. और एक भी इन्होंने window बनाई हुई है. Which is It's very old style and yet very modern, very Indian, and I like this tree of light here. Very beautiful stuff. So, चलिए अब मैं आप सबको दिखाती हूँ यहाँ का master bedroom, which is a must see. So again, as you enter, look at these wardrobes which are given here. ये side में इन्होंने wardrobes दिए हैं. Again, if we look at the work and I'll show you the room first, guys. This is the master bedroom. यहाँ पर ये बीन बैक चेयर रखी हुई है गाइस. एंड यहाँ से बाहर का व्यू देखिए, कितना सुंदर व्यू है. आप यहाँ से नीचे स्विमिंग पूल को भी देख सकते हैं. सो गाइज, ये पूरा स्विमिंग पूल का व्यू है और वो जो सामने आप ऊपर देख रहे हैं वो बार है यहाँ का, और उसके नीचे यहाँ पर एक प्ले रूम भी है जो कि मैं आप सबको बाद में दिखाने वाली हूँ. बट एज ऑफ नाउ प्लीज एंजॉय द पूल व्यू. सो गाइज, इस रूम में एक और बहुत प्यारा फीचर है विच आई वांट टू शो यू गाइज. ये है यहाँ का वॉशरूम, कमाश हुआ नाम. अगेन लुक एट दिस गाइस, इन्होंने यहाँ पे भी कितना अच्छा आर्टवर्क किया हुआ है ऑन द वॉल्स हियर. एंड मुझे ये मिरर के ऊपर की जो आर्टवर्क है, दिस इज वेरी नाइस. इनफैक्ट आई लाइक दिस लैम्प्स हियर, दे आर रियली ब्यूटीफुल. ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे एस्थेटिक से बनाई गई है. एंड यहाँ पर जो भी लीडर्स किया गया है मुझे सच में बहुत 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 अच्छा लगा. आई होप आप सबको भी बहुत अच्छा लगा. सो गाइज, आफ्टर द मास्टर बेडरूम अब बारी है इस दूसरे रूम की, और ये रूम भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है. कहाँ आ जाएगा अगेन artwork. Look at this artwork. ये यहाँ की wardrobes पे इन्होंने बहुत अच्छा artwork किया है guys. यहाँ के हर bedroom में अलग तरीके का artwork है. हर एक room different है एक दूसरे से. और
What I love about this room is कि यहाँ के curtains भी मुझे बहुत अच्छे लगे. Look at this curtains, guys. I really like this. And ये यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया है और मुझे ये बेड पे भी जो है इन्होंने आर्ट वर्क किया है ये भी बहुत अच्छा है. इनफैक्ट आई लाइक द बैकड्रॉप ऑल्सो, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल. एंड यहाँ का भी बेस्ट पार्ट एज यूजुअल ये बाहर का व्यू है गाइस. अगेन आप यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं, इवनिंग्स में अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं. This place is simply fab. So guys, मैंने आपको दो master bedrooms अभी first floor पे दिखाए और यहाँ पर एक और master bedroom है जो कि ground floor पर है. तो चलिए चलते हैं अभी master bedroom ground floor का देखते हैं. Once again, artwork and artwork everywhere. सो गाइज ये यहाँ का तीसरा बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है और इसका व्यू जो है वो स्विमिंग पूल की तरफ नहीं है, इसका व्यू है टुवर्ड्स दिस गार्डन. एंड सी अब जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे यहाँ पे लाइट्स चल गई हैं. एंड इफ यू गाइज कैन सी यहाँ पे पीछे पूरा हिल्स का व्यू है और ये भी व्यू इज नॉट बैड, इट्स अ गुड व्यू. एंड अगेन यहाँ की मुझे एक और चीज अच्छी लगी वो है some more artwork on these wardrobes. सारे ही rooms का सारी ही wardrobes बहुत अच्छे से इन्होंने ही की हुई है design guys पूरा. So and I like this piece as well. So this is pretty much the entire bungalow. सो गाइज अब तक जो आपने देखा वो ये बंगलो था एंड अब आई है बारी इस बंगलो की बेस्ट बेस्ट जगह को दिखाने की विच इज द प्ले रूम एंड द बार एरिया हेयर. जस्ट लुक एट द व्यू ऑफ द प्ले रूम हेयर गाइज. एंड इस प्ले रूम के साथ साथ यहाँ पे छोटा सा मिनी जिम भी है. लुक एट दिस कमल, टेक यू गाइज इनसाइड. इनका थिएटर रूम है यहाँ पर और इसको भी देखिए कितनी क्रिएटिवली इन लोगों ने बनाया है. ये अभी शट है, वी कांट गो इन देयर, बट लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड खंडाला सोशल. आई रियली लाइक इट. और ये छोटा सा बैठने का यहाँ पे सिटिंग रूम है. ऑलराइट, लेट्स गो टू द बार. यहाँ का बार सेक्शन है एंड ये बहुत ही ज्यादा एस्थेटिकली सुंदर बनाया गया है. कमल यहाँ पर लाइट थोड़ी कम है. बार सेक्शन सो ये क्लॉक भी देखिए, दिस क्लॉक इज रियली नाइस गाइस. बहुत सुंदर बनाना है इन्होंने, इसके सारे ही इंटीरियर बहुत अच्छा है. इस दरवाजे का ये हैंडल वेरी स्टनिंग, बहुत ही प्यारा पीस है. एंड ये यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स इन लोगों ने करे हुए हैं ये बार सेक्शन पे. यहाँ पे ये टॉल चेयर्स हैं, यहाँ पे ये स्टूल्स हैं एंड Look at this corner, guys. कितनी ब्यूटीफुल है ये स्पेस. लाइक इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गेट टुगेदर, यू वॉन्ट टू हैव अ पार्टी हियर. और गाइज यहाँ से भी एक टेरेस बाहर जाती है, हम बस यहीं से इसको थोड़ा सा देख सकते हैं. ये लॉक है, हम बाहर नहीं जा सकते.
ये इस जगह की टेरेस है, यहां से आपको पूरा बंगलो सामने दिखता है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। सो गाइस, इस जगह का एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर है इस बार का, जस्ट वॉच इट। My club is not working. Yeah, it's working. Party with a twist. तो गाइस, नाम्स नेशन के आज के एपिसोड में मैं आप सबको लेकर आई थी करहान विला, जो कि लोकेटेड है लोनावला में। एंड आई मस्ट रेकमेंड दिस प्लेस टू ऑल ऑफ यू। आप सब यहां अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लेकर आए और वीकडेज और वीकेंड्स को एंजॉय करें। स्पेशली मॉनसून्स में ये जगह सच में बहुत हेवनली हो जाती है। नाम्स नेशन के हिसाब से आज की इस जगह को मैं रेट करती हूँ 10 out of 10। इस जगह की बाकी सारी डिटेल्स मैं आप सबको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पर उससे पहले डू लाइक, share and subscribe. Nams Nation. See you.